नमस्कार मित्रों, की नए वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो दिवाली आपको जो आयोजित हो रहा है वही दिखाने वाला। आज 19 नवंबर है, देख सकते हैं। आज नहान भी है तो काफी भीड़ भाड़ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसलिए आपको बैक कवर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो लास्ट बने, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मैं कल का चेतिंग घाट का लेगा तो अपलोड किया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखिएगा वीडियो पूरा। देख सकते हैं बैक कवर से, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं वीडियो पूरा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा एकदम चकाचक भरा हुआ है, दिखा रहा है। ये देखिए, इधर आप निकल जाएंगे, 6-4 नंबर गेट निकल जाएंगे और देख सकते हैं पूरा एकदम बेहद। ये सामने देख रहे हैं, ये पार्किंग बनाया गया है, देख सकते हैं आप। अब पूरी भीड़ इधर ही जा रही नहाने के लिए, दशाश्वमेध के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एकदम भीड़ काफी एकदम है। और इधर आप निकल जाएंगे, 6 गेट नंबर 4 निकल जाएंगे और देख सकते हैं कि इधर पूरी भीड़ इधर से आ रही है, जो कि पूरी इधर जाते पूरा दशाश्वमेध एकदम फुल है। आप देख सकते हैं इधर, क्योंकि गाड़ियों की समय नो एंट्री। आज मैं बताना चाहेंगे, अगर आप लोग देव दीपावली शाम को आते हैं घूमने के लिए तो गाड़ियों की आपकी नो एंट्री रहेगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर गाड़ियों पार्क करनी है तो आप इधर से दोपहिया वाहन के लिए यहाँ पे बनाया गया वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत गदौलिया पे, तो इसे आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं वाहन अपना दोपहिया वाहन। ये देखिए, दिखा रहा हूँ आपको कितनी भीड़ आप देख रहे हैं आप। जब से देवी नाम की जो महिला है बहू, उनसे निवेदन है कि हरनीमा आप अनाउंसमेंट बराबर होता जा रहा है एकदम। गीता देवी की बहू का नाम है, क्योंकि सभी बताना चाहेंगे कि सभी जगहों को जो भी रास्ते उसको डायवर्जन किया गया है, दशाश्वमेध में गाड़ी कोई नहीं आएंगी एकदम। चलिए चलते हैं, आपको दशाश्वमेध घाट इधर भी दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। वीडियो लास्ट में वीडियो लाइक करिएगा भी, शेयर कभी करिए। और देख सकते हैं कितनी यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देख सकते हैं इधर, और बगल में पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है, देख सकते हैं आप इधर। यहाँ पे बुलाट भी लगाया गया, लेकिन बुलाट चालू नहीं हुआ अभी। ये है गोदलिया चौराहा, गोदलिया का हृदय स्थल। देखिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, ये देखिए मल्टी लेवल पार्किंग, देख सकते हैं इधर गोदलिया का। देख रहे हैं एकदम खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है एकदम। क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है नहान के लिए। देख रहे हैं कार्तिक, जिसको लोग पूर्णवासी बोलते हैं वही उसी का नहान आज है। चलिए आपको दशाश्वमेध में भी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। एकदम पूरा भरा हुआ रोड बताया एकदम, देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन एकदम लगी हुई जोरों शोरों से। देखिए हम लोग आ गए हैं दशाश्वमेध, जिसको गंगा पथ बोला जाता है, जो कि 10 करोड़ की लागत से रोड बनाया गया है। जब भीड़ होती है तो रोड एकदम खचाखच पूरी भर जाती है, और रात में देव दीपावली जरूर घूमिएगा आप लोग, क्योंकि आज काफी भय होता है काशी का देव दीपावली। नाश्ता वगैरह भी, इडली की दुकानें भी खुली हुई यहाँ पर, जैसा सुबह का टाइमिंग। देखिए ये वीडियो मैं सुबह शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा फॉग वगैरह थोड़ा उसके नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि जानते हैं विंडो का समय चल रहा है इसलिए। सामने है गेट नंबर 1 काशी विश्वनाथ मंदिर सिंहद्वार, जो कि आप इससे पहले विश्वनाथ गली में जाएंगे, उसके बाद बुढ़ना मंदिर पड़ेगा, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ेगा। काफ़ी दूर दूर से लगाते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और बृहस्पति गंगा आरती जरूर देखते हैं। बृहस्पति गंगा आरती देव दीपावली काफ़ी भव्य होगा, क्योंकि आज के दिन कुछ अलग ही होता है, आरती होती है, उसको मिस मत करिएगा, देखने की जरूर कोशिश करिएगा आप लोग यहाँ पे, क्योंकि बैरिकेडिंग पूरी लगाई जाएगी, एकदम पूरा रास्ता बंद रहेगा एकदम, नाव से भी आप घूम सकते हैं। देखिए फॉर्नर है सामने जा रहा है, वो फोटो खींच रहा है। देखिए
फॉरनर भी आने लगे हैं बनारस में, जब से थोड़ा सा कोरोना का महामारी थोड़ा सा कम हुआ है उससे, लेकिन नहीं तो पहले एकदम नहीं दिख रहे थे। ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर सिंह वार गेट नंबर 1। देखिए इधर से रास्ता भी बंद है, इधर जाने नहीं देंगे एकदम, देख सकते इधर आप। सामने देखिए लाइट भी लगाई गई है, इसे पास से दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए आपका है इधर चढ़िया बाबा मंदिर, देखिए काफी लाइट है, सजाया गया अच्छा से दिख रहा है, काफी अच्छी लाइट लगाई गई यहाँ पे। देखिए कि लाइट यहाँ पे लगाया गया है, इधर मंदिर फोकस मारेगा और सामने देख रहे हैं बृहस्पति भगवान का मंदिर रही है। देखिए हम लोग दशरथ में घाट में नजदीक आ गए हैं, इधर से आइए, इधर से देखिए हम लोग आ गए दशरथ में घाट के पास एकदम। इधर देखिए गार्डन एरिया बनाया गया, गैलरी बनाई गई है। पूर्णा में आप पूर्णवासी दोनों को सुनते हैं? देखिए ये बनाया गया है पुलिस बूथ बनाया गया है। देखिए पुलिस प्रशासन एकदम लगी हुई है यहाँ पे। सामने एलईडी स्क्रीन लगाई के दे सकते हैं आप इधर। देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया गया है सपने आप इधर। क्योंकि बताना चाहेंगे 12 लाख दिए पूरे सजाए जाएंगे घाटों पे, जो कि इस पार रेत में भी सजाया जाएगा इस पार भी। ये है शौचालय आपका। देखिए हम लोग आ गए हैं जहाँ पे नहा स्नान हो रहा था दशरथ में घाट पे। ये टूरिस्ट प्लाजा बन रहा है, इसकी वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे मेरे चैनल पे है जाके देख सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का हेल्प डेस्क बनाया गया टिकट सुविधा के लिए, देख सकते हैं इधर। ये
आइए भी आप भोग के लिए चलेंगे जाएंगे भोग में रात में घुमाइएगा रात में कल वहाँ हम लोग आ गए दशरथ में घाट में सावधान खतरा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि क्या गहरे पानी में न जाए बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करे क्योंकि यहाँ देखिए दिखा रहा हूँ देखिए बराबर यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि सावधानी से नहाए एकदम देखिए बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या गहरे पानी में न जाए बैरिकेटिंग के अंदर ही नहाए पति श्रवण कुमार जल प्रेसिडेंट पे इंतजार कर रहे हैं। बताना चाहेंगे बराबर अनाउंसमेंट होता रहा है देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे सुबह रात से ही लोग आए हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए भैया ये देख सकते हैं ये जल पुलिस हमने है सहायता केंद्र बनाया गया है यहाँ पे गोल गोल पांडे जल पुलिस गेट पे कर रहे हैं आप आके मिल ले पूरा घाट सजाया गया एकदम बेहतरीन देख सकते हैं आप इधर दिखाने को कोशिश कर रहा हूँ और देखिए जो आरती जो होती है स्थल वो भी सजाया गया है पूरा एकदम अब भीड़ों तो खचाखच पूरी भरी हुई है यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए आप लोग के साथ में अब देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से दिखाने को कोशिश कर रहा हूँ आपको अब देखिए वहां से लोग आ रहे हैं एकदम देख रहे बद्री टाइप का पूरा हो गया एकदम पूरा धुंधला हो गया देख सकते दिखा रहा हूँ आपको देखिए वहीं पे स्टेज बनाया गया थोड़ा छोटा सा क्योंकि हर साल वही बनता है जो लोग स्नान घाट के सीढ़ियों पे और नीचे आवश्यक रूप से जो लोग बैठे हैं कृपया अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। देखिए यहाँ पूजा हो रहा है देख सकते हैं देखिए आरती स्थल कितना बेहतरीन सजाया गया जो कि ये दशाश्वमेध घाट का गंगा आरती काफी फिर सतीद आरती यहाँ पे होती है जो काफी दूर दूर से लोग आते हैं और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे काफी आज भव्य आरती होगी जो कि रोज से काफी भव्य रहेगा ये आप देखिए मैं आ गया हूँ देखिए दूर से दिखाने को कितनी भीड़ है यहाँ पे स्नान करने वाले भी दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए देखिए बराबर अनाउंसमेंट हो रहा है अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि गहरे पानी में जाके स्नान न करें सामने जो जल पुलिस वही अनाउंसमेंट कर रही है और यहाँ पे शाम में काफी बेहतरीन रहेगा नजारा देखने लायक रहेगा जो कि रात में काफी दियो से जगमगाया जाएगा पूरा घाट एकदम अगर आप लोग कल मेरी शेष सिंह घाट की लेजर से अगर वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा जरूर मैं कल रात में अपलोड किया हूँ जो कि काफी दिव्य लग रहा दिखने में काफी भव्य लग रहा दिखने में देखिए सुबह की टाइमिंग है जिससे घाट और पूरा एकदम बेहतरीन लग रहा है दिखने में और देख सकते हैं कि काफ़ी फॉग वगैरह है और देखिए सब जो नाव वगैरह सजाया गया है और रात में काफ़ी अच्छा चमकेगा और सामने देख रहे हैं मान मंदिर घाट है चलिए मैं चारों तरफ से पहले घुमा के दिखाता हूँ यहाँ पे नज़ारे यहाँ का इतनी पहले से लोग आ जाते हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे स्नान करके क्योंकि यहाँ का काफ़ी महत्व होता है स्नान सामने लेडीज स्किन लगाएगी देख सकते हैं आप इधर चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मिलते हैं एक नई वीडियो पसंद किया है वंदे मातरम हर महादेव।